रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन होगा, व्हेन यू बाय ए कार, हाँ तो ये पैसेज वाला क्वेश्चन होगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप ये पढ़ लीजिए, रुकिए सॉरी, आप ये पढ़ लीजिए अभी। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ए लार्ज बिकॉज इट नीड्स चेंजिंग इट्स टायर्स मोर फ्रिक्वेंटली होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द कार शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ बी द साइज ऑफ द गैरेज द बायर इज। देखिए गाइस, गैरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, या अगर गैरेज ही नहीं जाएगा तो फिर गाड़ी को कहाँ पे पार्क कीजिएगा, रास्ते पे कह दिया क्या, ये तो सही नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टू फैक्टर्स दैट द बायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड इट्स क्या होगा, सी इट्स साइज एंड इट एंड द कम्फर्ट इट ऑफर्स। वाइल बाइंग ए कार वन शुड स्पेशली कंसिडर इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। तो गाइस अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन पे आए हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस। तो गाइस ये जो सेंटेंसेस दिया है ए बी सी डी ई, तो उसको मतलब करेक्ट सीक्वेंस पे अरेंज करना है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट। आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, मैं आप अगर चाहे तो इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए, फिर इसको अभी अरेंज करना है। तो देखते हैं गाइस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सेकेंड अरेंजमेंट, सेकेंड सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो ये होगा करेक्ट आंसर ए, यानी ई। इन क्वेश्चन बिलो हैज टू ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स करना है। हैज टू ब्लैंक्स ईच ब्लैंक कंटेनिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, चूज सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक विच बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए होल। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा। ए न्यू लॉ हैज़ बीन पास्ड स्टेटिंग दैट नो एक्टर वुड बी अलाउड टू शूट बियॉन्ड 12 आवर्स इन ए डे एंड दोज हु डैश दिस नॉर्म वुड हेंसफोर्थ बी फॉर इट एंड दोज हु डिफाइड होगा शायद, दोज हु या तो डिफाइड होगा या फिर फ्लाउटेड होगा, फ्लाउटेड दिस लॉ वुड हेंसफोर्थ बी पेनलाइज फॉर इट। हाँ ये होगा, सी होगा ऑप्शन। जो इस रूल को या फिर इस नॉर्म को तोड़ेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। जी हाँ गाइस, इसका ऑप्शन है सी। तो इसी तरह वीडियोस में लाता रहता हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। ये सब क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बहुत इंग्लिश वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस चैनल पे हम इंग्लिश को अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।